वक्त की बड़ी और अहम खबर सोनीपत से। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के संगठन दिल्ली कूच पर अड़े। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, बैठक के बाहर लगातार हूटिंग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सोनीपत से। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के संगठन दिल्ली कूच पर अड़े हैं, बैठक के बाहर लगातार हूटिंग का सिलसिला जारी है। हरियाणा के संगठन लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरियाणा के संगठन दिल्ली कूच पर यहां अड़ गए हैं, बैठक के बाहर लगातार हूटिंग हो रही है। हरियाणा के संगठन यहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, कुंडली बॉर्डर पर यहां एसकेएम की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक के बाहर ही लगातार हूटिंग हो रही है। हरियाणा के संगठन दिल्ली कूच पर यहां अड़े हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के बाहर लगातार हूटिंग हो रही है, हरियाणा के संगठन लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कुंडली बॉर्डर पर एसकेएम की बैठक चल रही है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाजपत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर, कुंडली बॉर्डर पर एसकेएम की बैठक चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो बैठक चल रही है उसके बाहर जो समर्थक है वो दिल्ली कूच की मांग कर रहे हैं और लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, जबरदस्त नारेबाजी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार जो है समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं और दिल्ली कूच के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अंदर बैठक है और बाहर जो कार्यकर्ता है जो समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो गुटबाजी देखने को मिल रही है और काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो जथाबंदी है, जो एक्सीएम है, वो अंदर बैठक है और बाहर जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं लाजपत? जी बिल्कुल, सुरक्षा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, ना कोई पुलिस प्रशासन है ना कोई अधिकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गुटबाजी जरूर दिखाई दे रही है, आपसी तनाव जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लंबे समय से बैठक चल रही है। दोपहरी 2 बजे बैठक शुरू हुई थी और अभी तक जो बैठक जारी है, अंदर बैठक है तो जो हंगामा होता है तो एक नेता गुरनाम चौधरी जो बाहर आकर वो समझाते हैं, फिर राकेश टिकैत बाहर आकर समझाते हैं, और राकेश टिकैत ने तो साफ कहा है कि ऐसे अगर नारेबाजी करोगे तो आंदोलन खराब हो जाएगा, और लगातार जो है गुरनाम चौधरी ने भी कहा है कि ऐसे अगर नारेबाजी करोगे तो जो है आंदोलन में फूट आ सकती है, लेकिन लगातार जो है इस तरीके के आंदोलन में